Connect My Channel, this is Padmini from Padmini Rinki's channel. So friends, आज भी मैं लेके आई हूँ हेयर फॉल सॉल्यूशन, एक होम रेमेडी जिसे आप यूज करके डेफिनेटली 100% ये काम करती है। तो ये आपके बालों को, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बाल झड़ रहे हैं या फिर बाल झाड़ू की तरह हो रहे हैं, तो ये उस सभी से आपको छुटकारा दिलाएगी। और इसे कंटिन्यूसली यूज करने से आपके बाल एकदम काले, लंबे और घने होंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लेना है नीम लीव्स और एलोवेरा जेल, और एक है मैं बाद में बताऊंगी। सो पहले बात करते हैं नीम लीव्स की। नीम लीव्स हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नीम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है और ये एक इफेक्टिव हर्ब है जो कि हेयर लॉस को ट्रीट करती है, और उसमें होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे हेयर के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपके हेयर लॉस यानी झड़ रहे हैं या फिर बालों में डैंड्रफ है या फिर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप उसे यूज करके अपने हेयर को रीग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हेयर की फॉल होना या फिर झड़ना बंद कर सकते हैं और बालों को एकदम हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रोंगर बनाती है जिससे हेयर स्ट्रोंग बनते हैं और हेयर का झड़ना बंद होती है। और फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल आपको पता ही होगा, ये बहुत ही अच्छी है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे बालों के लिए भी। सो अगर हम इसमें ऐड करते हैं एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल में होती है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि रिपेयर करती है डेड सेल्स को स्काल्प में, और ये एक कंडीशनर की तरह काम करती है और ये हेयर को स्मूथ बनाती है, शाइनी बनाती है और हेयर ग्रोथ बढ़ाती है और हेयर फॉल को प्रिवेंट करती है। और फ्रेंड्स, अगर आपके बालों में डैंड्रफ होंगे तो ये डैंड्रफ को भी क्योर करेगी और आपके हेयर को कंडीशनर करेगी। ये नेचुरल हेयर कंडीशनर है। सो आपको क्या करना है, आपको लेना है नीम लीव्स और एलोवेरा जेल और उसकी पेस्ट बनाना है। और मैंने एलोवेरा जेल और नीम लीव्स दोनों ही फ्रेश लिया है, आप भी जितना हो सके फ्रेश ही लें, आपके लिए भी अच्छी रहेगी। और फ्रेंड्स, उन दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, जितना आप लगाना चाहें, और उसको मिक्स करने के बाद, पेस्ट बनाने के बाद उसे छन्नी से छान लें, उसका लिक्विड या फिर जूस निकाल लें और उसमें ऐड करें आंवला। आंवला भी हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ये भी हेयर ग्रोथ बढ़ाती है। अगर हेयर फॉल हो रही है या फिर बाल झड़ रहे हैं, ये झड़ना कम करेगी और हमारे बालों को ये काले भी बनाएगी, स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। सो इस तरह से आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उसे मिक्स कर लें, और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने बालों में लगाएं, बालों में रूट में लगाएं, अच्छे से मसाज करें सर्कुलर मोशन में उंगली की सहायता से, और फिर अच्छे से मसाज कर लें। करने के बाद उसे 2 आवर्स रहने दें और उसके बाद आप अपना बाल धो सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो, या फिर आप रहने दे सकते हैं नेक्स्ट डे तक, ताकि ये अच्छे से आपके बालों के रूट तक जाए, स्काल्प में अच्छे से घुल मिल जाए, ताकि आपकी स्काल्प में ये काम कर सके। सो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें है आंवला है, एलोवेरा जेल है और नीम लीव्स है, ये तीनों ही बालों को स्ट्रोंग करने में मदद करती है, बालों को हेल्दी बनाती है। अगर बाल झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद हो जाएगा, और अगर आपके बाल एकदम झाड़ू की तरह हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं या फिर उन दो में बाल हो रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये तीन ही चीज मिक्स करके अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली काम करेगी, ये सारी समस्या आपके बालों से ये क्योर करेगी। लेकिन थोड़ी टाइम लगेगी क्योंकि ये होममेड नेचुरल है, ये धीरे धीरे काम करती है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। सो फ्रेंड्स, इस तरह से उसे वीकली 3-4 times लगा सकते हैं अपने बालों में, और फिर अपने बालों को लॉन्ग बना सकते हैं, यानी लंबे काले और घने बाल। सो फ्रेंड्स, दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।